हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज लगातार सुर्खियां बटोर रहे हैं, कोई ना कोई बात उनको लेकर सामने आ ही जाती है। एक और अटपटी, लेकिन यह भी कह लीजिए कि चटपटी बात सामने आई है, क्योंकि अनिल विज का मेल बॉक्स अब भर गया है। जी हां, आपने बिल्कुल ठीक सुना है, क्योंकि प्रदेश भर से अनिल विज, जो कि गृह मंत्री बन चुके हैं हरियाणा के, पुलिस के खिलाफ उनके पास इतनी शिकायतें आ रही हैं जिसका अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता है। और ये सब हम नहीं कह रहे, बल्कि विज के घर के बाहर लाइनें और वहां पर मौजूद लोग और वो तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही है। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज जब से बने हैं तब से ही वो एक्शन में भी दिखाई दिए हैं। हरियाणा में अनिल विज के गृह मंत्री बनते ही सेवा, सुरक्षा और सहयोग का नारा देने वाली पुलिस के खिलाफ शिकायतों का अंबार विज के दरबार पहुंचने लगा। जी हां, हम बात कर रहे हैं उन लोगों की, जो लोग अपनी शिकायतों और उम्मीदों को लेकर विज के निवास पर इकट्ठा होने लगे। ज्यादातर लोगों का आरोप है कि पुलिस से न्याय न मिलने के कारण लोग प्रताड़ित हैं। लिहाजा विज के गृह मंत्री बनने के बाद उन्हें आस है कि विज उनकी समस्याएं सुनेंगे और बिना किसी तारीख, बिना किसी विलंब के उन्हें इंसाफ दिलवाएंगे। मेरी पत्नी के साथ मेरी कह सुनी होगी, उसने अपने घर के बुला के, चार आदमी आए वहाँ से, तो क्या नाम लिया, अगर मेरे ताईसरे ने मेरे ऊपर पिस्टल दर दी छाती के ऊपर, तो उन हाँ सचो के पास में शिकायत करिए, माटा तुम थाना है पानीपत तहसील का। तो उसके बाद सचो साहब कह रहे हैं चार पर केस किया, जो मेरी मिसिज है उसके पास केस नहीं किया जिसने बुलाए हैं। तो मेरी शिकायत ये है, जो पुलिस ने कोई कानून कार्रवाई नहीं की है, ये शिकायत है। हरियाणा के लोग पुलिस प्रशासन से बेहद परेशान हैं। आपको बता दें, हरियाणा में गृह मंत्री का पदभार संभालते ही तीसरे दिन बाद अनिल विज ने पानीपत थाने में छापा मारा। पानीपत में छापा मारने के बाद लोगों के अंदर एक उम्मीद की किरण जाग गई, जिसे देखकर लोग अपनी शिकायतों को लेकर विज के निवास पर पहुंचे। लोगों को उम्मीद है कि उन्हें इंसाफ मिलेगा। सर, मेरे पूरे हल्के से बेहतर गाँव है, पूरे हल्के से भैंसों की चोरी हो रही है दरगाह, अगर रोकते हैं तो सीधा फायरिंग करके भैंसों को चुरा के ले जाते हैं। हमने सचो साहब से कंप्लेंट करी है, लेकिन बजाय हमारी परेशानी को सुलझाने के लिए उनका साथ दे रही है। जो चोर गिरोह है, पुलिस प्रशासन, SHO धर्मवीर सिंह, पूरा उनका साथ दे रहे हैं। मैं अब अनिल विज के साथ अपनी प्रार्थना लेकर आया हूँ, क्योंकि बड़ी उम्मीद लेके आया हूँ जो अनिल विज जी मेरी सुनेंगे और हमारी समस्या का हल करेंगे। लोगों की शिकायतें इतनी ज्यादा है कि लोगों ने विज को मेल कर उनका मेल बॉक्स भी भर दिया है। प्रदेश के हर कोने से शिकायतों की भरमार है। इसी के मद्देनजर खबरें अभी तक ने अनिल विज से खास बातचीत भी की। नहीं, ये ठीक बात है कि बहुत शिकायतें, मेरा ईमेल भी भर गया शिकायतों से, और लोग भी आ रहे हैं शिकायतें ले लेकर काफी, तो इनका समाधान करेंगे। नहीं, मैं पूरी तरह से शुद्धिकरण कर दूंगा। हरियाणा में लोगों को विज के गृह मंत्री बनने से काफी उम्मीदें हैं। लोगों का मानना है कि विज जनता की समस्याओं को सुनेंगे और उन्हें इंसाफ दिलवाएंगे। अब देखना ये होगा कि कब लोगों की शिकायतें कम होंगी और लोगों की समस्याओं का समाधान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।